हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कोरोना पर भ्रम फैलाने वाले नेताजी लंबी लंबी फेंकते हैं। कोरोना पीड़ित को गले लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। कोरोना को बीमारी नहीं मानते रमाकांत यादव। अगर जिसको कोरोना हुआ लोग कहते हैं 1 मीटर दूर रहिए, मैं कहता हूं लाइए मैं गले लगाता हूं। एक होते हैं लंबी लंबी हांकने वाले, एक होते हैं लंबी लंबी फेंकने वाले। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रमाकांत यादव का नाम उन्हीं लंबी लंबी फेंकने वालों में शुमार होता है। पूरी दुनिया कोरोना के खौफ से थर थर कांप रही है, लेकिन रमाकांत यादव को कोरोना का कोई डर नहीं। सारी दुनिया में 60 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना मार रहा है, लेकिन रमाकांत यादव कोरोना के मरीज को गले लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। बल्कि उनकी अलग ही थ्योरी है। साहब मानते हैं कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं, अजी सरकार CAA और NRC से ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए कोरोना का कॉन्सेप्ट आया। रमाकांत यादव ने आरोप लगाया कि BJP एक तरफ महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटका रही है और दूसरी तरफ अयोध्या में 10 लाख लोगों को जुटाया जा रहा है। कोरोना एक छलावा है, कोरोना एक बहकाने वाला मामला है, कोरोना का अफवाह इसलिए उड़ाया गया। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारे देश में एक भी व्यक्ति कोरोना से मरा हो तो बताइए आप। अगर जिसको कोरोना हुआ लोग कहते हैं 1 मीटर दूर रहिए, मैं कहता हूँ लाइए मैं गले लगाता हूँ। ये केवल NRC के लिए, CA के लिए, महंगाई को भटकाने के लिए धरना प्रदर्शन न करें, इसके लिए एक बहकाया जा रहा है कोरोना 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 कुछ नहीं है। सरकार तो बहकाएगी। बड़बोले नेताजी की बड़ी बड़ी ढींगे तो आपने सुन ली। दरअसल CAA और NRC का ऐसा भूत इन लोगों पर सवार हुआ है कि इन्हें उस खौफ से बाहर निकलने ही नहीं दे रहा। यूपी के पूर्व सांसद ने लोगों के बीच भ्रम फैलाया, इसलिए कार्यवाही शुरू हो गई। DIG रेंज आजमगढ़ सुभाष दुबे के निर्देश पर सपा नेता रमाकांत यादव पर FIR दर्ज हुई। कोरोना के मामले में भ्रम फैलाने को लेकर यह तीसरी FIR है। पहली FIR आगरा में, दूसरी FIR लखनऊ में और तीसरी FIR आजमगढ़ में दर्ज हुई है। देखिए, एक प्रकरण आज संज्ञान में आया कि जो पूर्व सांसद हैं रमाकांत यादव, उनके द्वारा एक भ्रामक सूचना जो है वो कोरोना वायरस के संबंध में जो है सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही थी, जिससे जनता के बीच में तरह तरह की जो है गलत बातें और अफवाहें, भ्रामक बातें फैल रही थी। इस संबंध में थाना सिधारी पर एक मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और फिलहाल यही स्थिति है। किस तरीके का सर, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया? देखिए, ये र्यूमर्स फैलाना, इस तरह की र्यूमर्स जो भ्रामक हैं और इनका जो है जनता के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, उस सारी धाराओं को समावेशित करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। कोरोना से मोहब्बत इतनी भारी पड़ेगी, ये तो रमाकांत यादव ने भी नहीं सोचा होगा। देश इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन रमाकांत यादव जैसे नेता राजनीति करने की गंदी आदत से बाज नहीं आ रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।